हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे पीहू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, ओट्स, मिल्क वाले ओट्स। तो चलिए मैं पीहू को स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज थर्सडे है, आपने मेरा टाइटल देखा होगा, आप लोग भी थोड़ा सा डर गए होंगे आखिर बात क्या है। एक्चुअली मैं भी बहुत डर गई हूँ और बहुत टेंशन है मुझे, तो मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो इसीलिए बस मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये व्लॉग इसीलिए आज मैं बना रही हूँ। और सॉरी फॉर दैट, जो खुट 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 हो रही है ना, वो ऊपर कुछ काम चल रहा है किसी के घर पे, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आवाज़ हो सकता है बैकग्राउंड में आ रही हो, तो यही है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा, मैं जा रही थी अपने नेल पेंट लगाने के लिए, तो वो कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ज़रूरी बात जो मुझे आपसे करनी है वो क्या है। नेल्स को, नेल पेंट रिमूव कर लिया है दोनों हैंड्स का, बट मैं अभी इसको थोड़ा ब्रीथ करने दूंगी, क्योंकि जब भी आप नेल पेंट लगाएं ना, तो फिर थोड़ी देर आपको वॉश करने के बाद छोड़ देना चाहिए अपने हैंड्स को, नेल्स को, तो वो मैं अभी छोड़ दूंगी। और मैंने नेल पेंट डिसाइड किया है, आज मैं ये लाइट कलर लगाने वाली हूँ, बहुत दिन से मैंने लाइट शेड नहीं लगाया है, तो जब मैं थोड़ा सा टाइम हो जाएगा उसके बाद मैं ये नेल पेंट लगाऊंगी अपने नेल्स पे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब जो मैंने टाइटल डाला है कि क्या बात है, क्यों मैं इतनी डरी हुई हूँ, क्यों आप लोग को भी सचेत हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए इस चीज़ से। अगर आप टेक्निकल वीडियो नहीं देख पाते हैं या नहीं देखे हैं, इनकेस आपको नहीं पता है इस बारे में, तो मैं आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, बिकॉज़ कल जब से मैंने ये देखा है, सुना है, मैं बहुत परेशान हूँ। सबके, जो भी यूट्यूबर्स हैं, उन सबके फ़ोन में आपको एक ईमेल आ गया होगा, एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा आपके क्रोम पे, तो जहाँ से आप लोग अपना वीडियो एडिट वेडिट करते हैं, मतलब अपलोड करते हैं डेस्कटॉप साइट पे, सबको मैसेज आ गया है, यूट्यूब ने भेज दिया है। किस बारे में बात कर रही हूँ मैं? कोपा। जी हाँ फ्रेंड्स, कोपा के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये वीडियो क्या है, क्या है ये कोपा। तो अभी एक नया रूल मतलब YouTube ने लागू कर दिया है, बहुत जनवरी 2020 से स्टार्ट भी हो जाएगा। तो बात क्या है कि अगर आपके कंटेंट में बच्चा आता है, बच्चे की आवाज़ आती है, बच्चे की फ़ोटो आती है, तो वो इलीगल है। जी हाँ, जैसे कि हम लोग व्लॉगर्स हैं, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं वीडियो में, उनसे ही मतलब हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, जैसे मेरी बेबी है पीहू, आपको वो देखना अच्छा लगता है, आप लोग खुद कहते हैं पीहू को ज़रूर लाया करो, उसको बोलने दिया करो, मुझे भी इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं पीहू को अपने व्लॉग्स में नहीं ला पाऊँगी, वरना यूट्यूब मेरे चैनल को भी बंद कर सकता है। जी हाँ, कि सबका किसी का भी वीडियो यूट्यूब बंद कर सकता है, चैनल बंद कर सकता है, अगर आपके वीडियो कंटेंट में, आपके यूट्यूब कंटेंट में कहीं पे भी बच्चे मेंशन हैं। ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से प्लेटफॉर्म पर ला कर के उसकी मतलब उसकी पर्सनल चीज़ों को आप बता रहे हैं यूट्यूब पे। तो ये जो रूल है, ये US के मतलब अकॉर्डिंग ये रूल आया है कि आप बच्चों की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मतलब पता नहीं अभी क्या रूल है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग आराम से बच्चों के जो फ़नी वीडियोज़ होते हैं, बच्चों से रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं, चॉकलेट्स होती हैं, या कुछ भी, इवन आप कोई भी बच्चे का प्रोडक्ट भी बता रहे हैं ना, तो भी इस तरह के वीडियोज़ में भी बच्चों से रिलेटेड अगर टॉपिक है, कंटेंट है, तो वीडियो आपका डिलीट भी हो सकता है, चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर आप न्यू क्रिएटर हैं, या फिर आप न्यू नहीं भी हैं लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं पहुंची है, आप तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो मुझे आपको ये बताना चाहिए और मुझे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए कि मैं कितना डर गई थी ये सुन करके, क्योंकि
कुछ भी हो, यूट्यूब अगर चैनल आप खोलते हो ना, तो आपको बहुत डर लगता है कहीं ये ना हो जाए आपके चैनल को, कहीं वो ना हो जाए, आपको बहुत टेंशन होती है अपने चैनल को लेकर के। बहुत हम लोग अपने चैनल को लेकर के कंसर्न करते हैं, तो वैसे ही मेरे साथ भी था। और बस थोड़ा सा मैं भी डरी हुई हूँ, तो आगे देखती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। जो भी करूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही मुझे आप लोग को बताना था, बस ये ज़रूर कहूँगी, अभी तक आपने मेरे वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज सबको हो सके, सबको पता चल सके कि अगर आप अपने बच्चे को यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं तो वो लीगल नहीं है। और आगे चल के 2020 से, मतलब 2020 जब स्टार्ट होने वाला है जनवरी से, आप अगर अपने बच्चे को लेकर के आते हैं तो उस वीडियो में ना तो आप एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, ना आई बटन सेट कर सकते हैं, ना ही जो आप ऐड खुद के सेट करते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो अब आपकी अर्निंग पे भी फ़र्क पड़ने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है यूट्यूबर्स के लिए, ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत अफसोस की बात ही है, मतलब अच्छा नहीं है कि हम लोग के लिए तो नुकसान वाली ही बात है। तो बस यही था, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली बनाया, इस व्लॉग में मैंने अपनी बातें आप लोगों से शेयर करी। तो चलिए अभी मैं अपने नेल्स को जाती हूँ रिमूव, मतलब वॉश करती हूँ, रिमूव तो मैंने कर लिया है, फिर मैं नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। पेंट लगा लिया है और एक ही कोट लगाया है, बट अच्छा लग रहा है लाइट शेड। और मेरी आईब्रोज भी बहुत बढ़ गई हैं, तो मुझे जानी है आईब्रोज बनवाने, देखिए कब जाती हूँ। तो अभी शाम हो गई है, मतलब कि रात हो गई है, और अब मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर डिनर। डिनर में आज मैं बना रही हूँ वेज बिरयानी। और सुबह से मेरा जो बस थोड़ा सा जो मैंने सुबह रिकॉर्ड किया था उतना ही किया, क्योंकि बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने को। आज मन बहुत, मतलब परेशान था, टेंशन भी हो रही थी, और आज है चिल्ड्रंस डे, तो आज चिल्ड्रंस डे के दिन क्या न्यूज़ मिली कि अब हम अपने वीडियोज़ में बच्चों को ही नहीं ले सकते हैं। तो काफ़ी उदास सा लग रहा था मुझे, और अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस इसीलिए मैंने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं करी है। तो अब मैं डिनर बना रही हूँ, डिनर में मैं बना रही हूँ यहाँ पे बिरयानी। तो बिरयानी के लिए मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है, और पनीर को भी कट करके उसको डीप फ्राई करके निकाल लूँगी, और गोभी भी पहले जो जो सब्ज़ियाँ मुझे डीप फ्राई करके निकालनी है वो निकाल लूँगी। तो उसमें पनीर है, गोभी है, प्याज है, और मैंने शिमला मिर्च कट किया है, और क्या है इसमें मैंने डाला है मटर है। तो आपके पास जो भी सब्जियां हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और मैंने इसमें आज कोई भी खड़े मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहें तो आप तेज़पत्ता, इलायची, लौंग, काली मिर्च सब कुछ डाल सकते हैं, और वो अचानक से फ्लैश बंद हो गया था इसलिए आपको
अंधेरा लग रहा होगा। और अब इसमें डाला है स्लाइस किया हुआ टमाटर, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है खड़े टमाटर, मतलब बॉयल टमाटर, तो वही मैंने इसमें डाल दिया है। और राइस डाल करके अच्छे से चला लेंगे। बीच में मैंने सोया सॉस भी डाला था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर, और बाद में कुछ सॉस हैं जैसे कि सोया सॉस, सॉरी टमाटो सॉस और चिली सॉस, थोड़ा थोड़ा ही डाला है। और ये अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला, जिससे एक बहुत अच्छा टेंट आ जाएगा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि मैगी का सबको टेस्ट अच्छा लगता ही है। तो बस वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें। तो ये देखिए अब मेरी बिरयानी जो है वो बनने वाली है। अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, जिससे कि चावल अच्छे से पक जाएंगे। तो अब चलिए इसको चला लेते हैं, और बस इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश कर दूँगी। मैं मिलूँगी आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। और इसमें अब डाल रहे हैं घी, जिससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, मतलब टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ ये व्लॉग यहीं फिनिश कर देती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट।